हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कई अध्यायों से हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के विषय में जान रहे थे। इसकी कथा वस्तु, कहानी की मूल संवेदना और कहानी के कुछ गद्यांशों की व्याख्या पर हम अपने पिछले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम इसी कहानी के एक पात्र, जो कि आप इस जिसे आप इस कहानी का मुख्य पात्र भी कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी का लेखक ने ताना बाना बुना है, उसके चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के अध्याय में ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के सुभाष सोनकर का चरित्र चित्रण। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी घुसपैठिए में एक दलित छात्र सुभाष सोनकर को प्रधान पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। पूरी कहानी का ताना बाना उन्होंने इसी छात्र के आसपास बुनकर किया है और इसी पात्र के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त दलित वर्ग की समस्याओं और छुआछूत निवारण हेतु सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास भी किया। मतलब यही छात्र ऐसा उन्होंने अपने केंद्र में बनाकर रखा, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने दलितों के ऊपर हो रहे शोषण का, उत्पीड़न का ताना बाना बुना और पाठकों के आगे दलित उत्पीड़न की समस्याओं को रखा। दोस्तों, इस कहानी में मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की कहानी है और जिसमें कुछ ऊंची जाति यानी कि सवर्ण वर्ग के छात्रों द्वारा दलित वर्ग के छात्रों को प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है। कहानी में दलित छात्र सिस्टम में आकर भी उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। संपूर्ण कहानी इसी समस्या पर आधारित है कि किस प्रकार दलित छात्रों को कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन उनके साथ वहां पर ऊंची जाति के सवर्ण छात्र कहे जाने वाले लोग, यहां तक कि डीन और प्रोफेसर भी उन्हें उस कॉलेज का विद्यार्थी नहीं समझते, बल्कि उन्हें लगता है कि वो तो घुसपैठिए हैं। एक दलित छात्र साथियों की प्रताड़ना एवं भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी दलित वर्ग की समस्या पर एक चित्कार भरी टिप्पणी है। इस कहानी द्वारा लेखक का मुख्य उद्देश्य छात्र सुभाष सोनकर द्वारा अपनी कुर्बानी देकर समाज में दलित वर्ग के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना है। जब सुभाष सोनकर प्रताड़ना से दुखी होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब उस कहानी में दिखाया गया है। दोस्तों, सुभाष सोनकर जो था वो मेडिकल कॉलेज का एक दलित छात्र है और डॉक्टर बनने की चाहत में वो इस आरक्षण के माध्यम से इस कॉलेज में उसे एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ के विद्यार्थियों के साथ वहाँ के जो डीन और प्रोफेसर हैं वो भी उन्हें कॉलेज के घुसपैठिए समझते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। कुछ सवर्ण छात्रों द्वारा सोनकर और उसके साथियों को हमेशा जाति सूचक शब्द और दलित जाति होने के कारण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उन्हें हमेशा जाति सूचक गाली दी जाती है, उनकी जाति को मतलब गलत तरीके से बोला जाता है। कॉलेज के हॉस्टल में दलित छात्रों को हमेशा अलग रखा जाता है, उनको सवर्ण छात्रों के रूम में नहीं दिया रखा जाता, रैगिंग के नाम पर उन्हें पीटा जाता है, अलग खड़ा कर देते हैं उन्हें और उन्हें फिर तरह तरह से अपमानित करते हैं, विरोध करते हैं। यदि कोई दलित छात्र इसका विरोध करता है तो उसकी पिटाई की जाती है। और ऐसा सिर्फ कॉलेज में नहीं होता, शहर से कॉलेज तक आने वाली बसों में भी इन्हीं सवर्ण छात्रों का, ऊंची जाति के छात्रों का राज चलता है और बस में भी ये हमेशा इन दलित छात्रों को अभद्र शब्दों से पुकारते हैं। एक बार क्या होता है कि बस में सुभाष सोनकर को जब प्रणव मिश्रा चरमटे कहकर पुकारता है तो वो इसका विरोध करता है। बस इसी बात पर उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसे पीछे बस में घसीट के पीछे वाली सीट पर ले जाता है और लात घूसों से मार मार कर अधमरा कर देता है। हमेशा ही वो ऐसा करते हैं, अभद्र शब्द बोलते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं। दोस्तों, दलित छात्रों को आरक्षण वाला कहकर बुलाया जाता है। कॉलेज का डीन भी दलितों से नफरत करता है, वह कहता है कि आरक्षण से ये लोग दाखिला तो ले लेते हैं
तो इन्हें अब यह सब सहना ही पड़ेगा। वह सवर्ण छात्रों द्वारा दलित छात्रों पर की गई ज्यादतियों को कभी भी अनुचित नहीं मानता। मारपीट से जब सोनकर घायल हो जाता है तो वो पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट कराने के लिए जाता है, लेकिन थाने में इंस्पेक्टर ये रिपोर्ट लिखने को मना कर देता है और वो कहता है कि यह कॉलेज का अंदरूनी मामला है और वो साफ मुकर जाता है रिपोर्ट लिखने से। अब वो परेशान होकर मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलता है, तो वहाँ प्रोफेसर से मिलता है, वहाँ पर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। डॉक्टर कहते हैं, जब उसका चेकअप होता है तो कहते हैं कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर गया है, लेकिन दलित उत्पीड़न के खिलाफ उसकी बात को हर जगह अनसुना कर दिया जाता है और उसे हर जगह निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, राकेश दलित अधिकारी होकर भी अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाता। इस कहानी में एक रमेश चौधरी है जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो एक तारीख तय करके इस व्यवस्था के खिलाफ जुलूस निकालने की योजना बना लेता है, लेकिन जब जुलूस निकलना होता है उससे एक दिन पहले ही सुभाष सोनकर आत्महत्या कर लेता है, जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो आत्महत्या किस लिए करता है, क्योंकि उसने सवर्ण छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, डीन और प्रोफेसर से उनकी शिकायत की थी, तो इसीलिए सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया जाता है और वो इस तरह से व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तभी वो आत्महत्या करने का निर्णय ले लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होगी। सोनकर ने प्रणव मिश्रा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाने का दुस्साहस किया, जिससे वह व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस जाता है और परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। और जो ये दलित सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चौधरी है, वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि इतना होशियार बच्चा आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। दलित सामाजिक कार्यकर्ता इन प्रताड़ित छात्रों की समस्याओं का मुद्दा तो उठाता है, लेकिन व्यवस्था की जड़ता के कारण वो इस मुद्दे को गति नहीं दे पाता, क्योंकि कहीं भी उसकी भी सुनवाई नहीं होती। हर जगह उसे ये मतलब जहाँ भी वो जाता है, सभी डीन की या प्रणव मिश्रा जो भी सवर्ण छात्र हैं जो प्रताड़ित करते हैं उन्हीं की भाषा बोलते नजर आते हैं। जब वह मीडिया में सोनकर की पिटाई और प्रताड़ना की बात बताता है तो मीडिया वाले भी इसे रैगिंग कहकर छाप देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार घुसपैठी कहानी हाशिए पर जीने वाले समाज की उन बेचैनियों और छटपटाहटों से पाठक वर्ग को दलित वर्ग के उत्पीड़न असमानता से रूबरू कराने में सफल है। दलितों की लड़ाई कुर्बानी रहित नहीं है, इसमें सुभाष सोनकर जैसे ना जाने कितने दलितों का बलिदान शामिल है, जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ पुरजोर विरोध किया और समाज के सामने जातिवाद की समस्या को राजनैतिक और वैधानिक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने घुसपैठिए कहानी में जो दलितों के खिलाफ उत्पीड़न होता है, दलितों छात्रों को जिस तरह से कॉलेज में प्रताड़ित किया जाता है, उन सभी समस्याओं को अपनी इस कहानी में उठाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये हमने घुसपैठिए कहानी के सुभाष सोनकर का चरित्र चित्रण जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।